हिस्टेरेक्टॉमी क्या होती है, महिलाओं में हिस्टेरेक्टॉमी की जरूरत क्यों पड़ती है, लेप्रोस्कोपी द्वारा हिस्टेरेक्टॉमी कैसे की जाती है। वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है हिस्टेरेक्टॉमी और लेप्रोस्कोपी द्वारा हिस्टेरेक्टॉमी की सर्जरी कैसे की जाती है, ये सर्जरी किन्हें करवानी चाहिए और लेप्रोस्कोपी द्वारा ये सर्जरी कैसे होती है, और इस सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। अगर आप लेप्रोस्कोपी हिस्टेरेक्टॉमी सर्जरी या लेप्रोस्कोपी द्वारा होने वाली कोई भी सर्जरी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और देश के जाने माने रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आर के मिश्रा से भी बात कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हिस्टेरेक्टॉमी महिलाओं के यूट्रस या बच्चेदानी को हटाने का एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसकी जरूरत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करने वाली प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए किया जाता है। अधिकतर 40 से 50 साल की महिलाओं में मेनोपॉज स्टेज के समय हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से और कुछ महिलाओं की बच्चेदानी में लाइलाज नॉन कैंसर ट्यूमर यानी फाइब्रॉइड या यूट्रीन ओवेरियन या सर्विकल कैंसर होने की वजह से उन्हें डॉक्टर द्वारा हिस्टेरेक्टॉमी करवाने की सलाह दी जाती है। लेप्रोस्कोपी द्वारा हिस्टेरेक्टॉमी एक बेहद आसान सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें बिना कोई बड़ा चीरा लगाए और बिना कोई ज्यादा प्रिकॉशन रखे कम रिकवरी टाइम में ही पेशेंट ठीक हो जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान पेशेंट के पेट में एक छोटे से कट के माध्यम से एक दूरबीन और वीडियो कैमरा युक्त एक छोटी ट्यूब डाली जाती है। इस ट्यूब के थ्रू सर्जन पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन को देख पाते हैं और फिर पेशेंट के वॉर्म सर्विक्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किसी हिस्से को हटाने के लिए आपके पेट या वजाइना में अन्य छोटे चीरों के माध्यम से सर्जिकल उपकरण डाले जाते हैं और फिर यूट्रस या यूट्रस के किसी पार्ट को रिमूव किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टॉमी आमतौर पर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देकर परफॉर्म किया जाता है और इस सर्जरी में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है, ऑपरेशन से कुछ दिन पहले डॉक्टर पेशेंट को कुछ ब्लड टेस्ट और कॉमन हेल्थ चेकअप के लिए बोल सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टॉमी से एक रात पहले पेशेंट ध्यान रखे कि वे भूखे पेट रहे। पेशेंट अपनी दवाओं के साथ एक घूंट पानी भी पी सकते हैं, लेकिन अपनी सर्जरी से कम 4 घंटे पहले खाने और पीने से बचे। सर्जरी से पहले कुछ दवाएं और सप्लीमेंट लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं और सप्लीमेंट के बारे में बताएं जो आप लेते हैं। हाइजीन को ध्यान में रखते हुए आपको सर्जरी से पहले सभी गहनों मेकअप और नेल पॉलिश को हटाना होगा। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टॉमी सर्जरी के अगले ही दिन से आप अपना डेली रूटीन का काम आराम से कर सकते हैं और सर्जरी के कुछ घंटों बाद ही घर भी जा सकते हैं। पर घर जाने के बाद आपको बहुत आराम करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि आप सर्जरी के बाद 4 से 6 हफ्तों के लिए कोई भी भारी सामान ना उठाएं या अपने पेट पर कोई दबाव ना डालें और कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा ना करें। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टॉमी के समय लगाए गए चीरों को ग्लू या टांकों की मदद से वापस जोड़ा जा सकता है जो कि कुछ ही दिन में अपने आप से घुल जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। इस सर्जरी में यदि अंडाशय या पूरा यूट्रस निकाला जाता है तो उसके बाद पेशेंट को पीरियड्स नहीं होंगे और साथ ही इसके बाद पेशेंट गर्भवती नहीं हो पाएगी। तो यदि आपको इससे जुड़ा कोई सवाल या आप इस बात को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से इस बारे में सर्जरी से पहले चर्चा करें। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टॉमी से जुड़े कोई अन्य सवाल अगर आपके मन में है तो आप निश्चिंत होकर हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकती हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नई बीमारी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।